हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आईआईटी जेम 2005 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन रॉन्सकियन पर बेस्ड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहती है, द रॉन्सकियन ऑफ द फंक्शन जो हमें दे रखा है, पहला फंक्शन वो है एक्स स्क्वायर और जो दूसरा फंक्शन हमें दे रखा है वो एक्स इंटू मॉड एक्स है, इज जीरो फॉर, कि रॉन्सकियन जीरो कब होगा, ये हमें कुछ कंडीशन दे रखी है तो इनके बारे में हमें पता करना है। तो देखिए यहाँ पर मॉड एक्स है, मॉड एक्स आते ही आपके माइंड में तीन ऑप्शंस आ जाने चाहिए थे। क्या क्या ऑप्शन आएंगे कि जब एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगी, जीरो से छोटी और होगी और जब जीरो होगी। पहले फंक्शन में तो कोई डाउट ही नहीं है, आते हैं सेकंड फंक्शन को। जो हमारा सेकंड फंक्शन है उसको हम तोड़ेंगे या फिर खोलेंगे तो तीन फंक्शन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप मॉड एक्स यानी जब आपका x जीरो से बड़ा होगा यानी मॉड x के प्लस में x ही होगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब जब जीरो से छोटा होगा तो मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स हो जाती है तो x इंटू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, और जब जीरो होगा तो जीरो इंटू समथिंग जीरो। तो आपके पास तीन केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा, जब आपके पास फंक्शन पहला वाला एक्स स्क्वायर वो तो फिक्स ही है, दूसरा फंक्शन हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर यानी कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। रॉन्सकियन निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्योंकि दो फंक्शन है तो आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट का साइन लेना है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन उसी का एक बार डेरिवेटिव दूसरी बार डेरिवेटिव। ये रख दिया पहला फंक्शन, ये रखा दूसरा फंक्शन, इसका एक बार डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस विच इज ज़ीरो। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है ये दो तीसरा वाला वो करेक्ट हो रहा है। अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है कि तीसरा दिखा तो करेक्ट, अभी दो केस और बचे हुए हैं उनको भी देखना है। अब दूसरा केस क्या है, जब फंक्शन हमारा एफ टू एक्स हमारा माइनस के एक्स स्क्वायर है, उसे भी देख लेते हैं। तो वही चीज़ रॉन्सकियन वाला, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और ये दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ, ये भी हमें ज़ीरो दे रहे हैं जब एक्स की जीरो से छोटी है, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। अब केस थर्ड, जब फंक्शन टू आपका ज़ीरो होगा, फंक्शन पहले वाले पे तो कोई प्रश्न है ही नहीं, वो तो फिक्स है, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरे वाले का डेरिवेटिव, इसकी गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ, तो ये भी ज़ीरो दे रहा है। यानी कि जितने भी हम केस सामने लिए हैं उन सब पे हमें रॉन्सकियन क्या मिल रहा है, ज़ीरो मिल रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स, ऑप्शन पहला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।